हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल कानूनी सोच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे कोई लीगल बात नहीं करने वाला हूं, मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो लीगल मामलों में आपको सहायता देंगी। दोस्तों देखिए, किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले उसकी तैयारी जो होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर देखिए आप सीमाओं की लड़ाई की बात ले लें, अगर दो देशों के बीच में लड़ाई होती है और उनकी तैयारी नहीं है, आपकी सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हार जाएगी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको इतिहास में भी देखने को मिलते हैं, जब बड़ी बड़ी सेनाएं बहुत छोटी सेनाओं से हार गई, कारण उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी और जो छोटी सेना थी उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। इसीलिए आप लोग भी जो मुकदमे लड़ते हैं, आप लोगों की तैयारी कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि आप इन मुकदमों को जीतेंगे, लड़ पाएंगे या हार जाएंगे, क्या स्थिति रहेगी। अब दोस्तों, अपनी मनोस्थिति को अपने काबू में रखना ये सबसे बड़ी बात होती है, और इन पहलुओं पर बात सामान्यता कम की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़्यादातर यही जरूरी होता है। आप देखेंगे हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा घबराते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे थे जो पहले बहुत ज़्यादा घबराते थे, लेकिन अभी बहुत अच्छी स्टेज पे हैं, अभी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी बढ़ गया है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं कि वो स्टार्टिंग में जब हमने उनको समझाया तो उनका डर भाग गया था और वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने केस को लड़े। अब इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद दोस्तों, जब हम देखते हैं वो क्लाइंट्स जो कॉन्फिडेंस के साथ लड़े, वो खुश भी रहे, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई और वो बाहर भी बहुत ही आसानी से निकल आए। लेकिन दोस्तों, जो डरते रहे, जो आज भी डर रहे हैं और डर डर के अपना केस लड़ रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं मेंटली भी, और वो बहुत छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब रहते हैं। देखिए दोस्तों, हमें ना थोड़ा सा सोचना चाहिए, हम डिस्टर्ब तब हों जब हमारे हाथ में कुछ हो। हम उन चीज़ों के लिए डिस्टर्ब हों जिनको हम चेंज कर सकते हैं। हम उन चीज़ों के लिए क्यों डिस्टर्ब होते हैं जिनको हम चेंज ही नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, धूप निकल रही है, आप चाहते हो धूप ना निकले, क्या आप कुछ कर सकते हैं? लेकिन आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, उसके बाद भी आप परेशान होने लगते हैं, आप टेंशन में जाते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं कि सूरज क्यों निकल रहा है। तो दोस्तों, ये आपकी गलती है, आप एक गलत चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो। आपको परेशान केवल उन चीज़ों के लिए होना चाहिए जो आपके हाथ में हो। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, उनके लिए परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब दोस्तों, मुकदमे लड़ते वक्त सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आपने मुकदमों को लड़ते वक्त अपने आप को कैसे रखा हुआ है। अब अधिकतर मामलों में यही होता है, चूंकि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत सारे प्रेशर और भी होते हैं, तो आदमी वैसे ही टूट जाता है। एक टूटा हुआ आदमी लड़ाई कैसे लड़ सकता है? लड़ाई वो ही लड़ सकता है जो कि बाहर से भी मजबूत हो, अंदर से भी मजबूत हो। बाहर से एक बार को ना हो, अंदर से होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अंदर से मजबूत रहिए, तभी आप इन मुकदमों को फेस कर पाएंगे। और सिर्फ मुकदमे ही नहीं, लाइफ की किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, आप तभी फेस कर सकते हैं जबकि आप मजबूत हैं। अगर आप सामने वाले को कमज़ोर दिखाएंगे तो हर एक व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाएगा, लेकिन यदि आप खुद को मजबूत दिखाते हैं तो कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता, चाहे वो आपकी सामने वाली पार्टी हो या कोई और। देखिए दोस्तों, थोड़ा लीक से हट के बात करूं तो हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो सब एक डेस्टिनी है, यानी पहले से तय है कि आपके साथ होना है, उसी क्रम में आपके साथ होता है। लेकिन दोस्तों, हम परेशान होते रहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। अब हमें यह समझना चाहिए कि हम परेशान क्यों हों, क्योंकि जो डेस्टिनी है उसको आप बदल तो सकते नहीं, वो जो आपके साथ होना है वो आपके साथ होगा ही। अब दोस्तों, हम परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम अपनी जान देने की कोशिश करते हैं, जान देने के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों क्यों? क्योंकि ये तो डेस्टिनी है, ये होना ही था, इसे आप बदल तो सकते नहीं। तो जिस चीज़ को आप बदल ही नहीं सकते, उस चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं और इतनी गलत चीज़ें आप क्यों सोच रहे हैं? दोस्तों, नियति कभी बदली नहीं जा सकती, नियति सब पहले से डिसाइड होती है। आप लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से अपनी अपनी स्टोरीज पढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पे हिंदूज में स्टोरीज आती है कि भाई पूरी रामायण हो गई, पूरी महाभारत हो गई। यदि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती, मनुष्य के हाथ में होती, तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती। तो दोस्तों, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, हम यहाँ पर केवल नाटक कर रहे हैं, और जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है बस ये एक जैसे मूवी चलती है ना, मूवी देखने जाते हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई होती है? 3 घंटे के बाद जब आप बाहर आते हैं तो वही आपकी नॉर्मल लाइफ होती है। जब तक आप वहाँ 3 घंटे बैठे रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप रियलिटी में हो। वहाँ पे कोई हंसी का सीन आता है, आप हंसते हैं, और कोई इमोशंस वाला सीन आता है, आप रोते हैं, कोई फाइटिंग सीन आता है, आपके अंदर जोश आ जाता है, कोई सॉन्ग आता है, आपका मन भी डांस करने के लिए करता है, लेकिन दोस्तों वो रियलिटी तो नहीं है। 3 घंटे के बाद आप वहीं पर होते हैं, वापस अपनी लाइफ में। ये जिंदगी भी ऐसी है दोस्तों, जो कुछ चल रहा है ना, एक सीरीज में चल रहा है, और ये जो कुछ भी चल रहा है ये रियलिटी नहीं है। हमें दुख इसलिए है क्योंकि हम इसे रियलिटी मान बैठे हैं। हमने किसी को प्यार किया लेकिन उसने हमको धोखा दे दिया, और कुछ समय के बाद वो चला गया हमारे पास से, हमें छोड़ के, और उसने हम पे केस भी कर दिया। अब दोस्तों, हम इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमने उसके साथ इतना अच्छा किया, उसने हमारे साथ गलत क्यों किया। दोस्तों, ये आपकी डेस्टिनी थी,
जो भी लोग आपस में मिलते हैं इस दुनिया में और अलग होते हैं वो एक दूसरे के कर्मों के हिसाब से होते हैं। तो जब तक आपके कर्म नहीं करते तब तक आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, और जब आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है कि आपको अलग होना है तो आप अलग हो जाते हैं। तो ये सब प्री डिसाइडेड है, आप चाहें ना चाहें ये आपके साथ होगा ही, और आप कितना ही इससे बचने की कोशिश कर ले आप इससे बच नहीं सकते। तो दोस्तों फिर बात वही आ गई कि हम ऐसी चीज के लिए क्यों परेशान होते हैं जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब एक क्रिएटर के हाथ में है, वो क्रिएटर बैठा है और वो इन सारी चीजों को चला रहा है। अब दोस्तों उस क्रिएटर पे तो हमारा बस है नहीं, हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम हर परिस्थिति में खुश रहें और हम सब कुछ उस क्रिएटर पे ही छोड़ दें कि वो जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है और जो भी होगा वो ठीक ही होगा, क्योंकि दोस्तों हम सबका भला इसमें ही है। और वो जो क्रिएटर है वो भी ऐसे लोगों से खुश रहता है जो कि ये मानते हैं कि हाँ वही क्रिएटर है, वो ही चलाने वाला है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ कर रहा है वो ही कर रहा है, मैं तो केवल उसके इशारों पर चल रहा हूं। और दोस्तों हमें उसी के इशारों पर चलना है, सही तरीके से चलना है। अगर आप सही तरीके से चलेंगे मुकदमे तो क्या जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से भी आप बाहर आ जाएंगे। बस अपना पेशेंस नहीं खोना, अपना जो दिमाग है उसका कंट्रोल नहीं खोना। जब हम ये सारी चीजें खो देते हैं, बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी देखिए दोस्तों कई सारे लोग ऐसे भी आएंगे कमेंट में लिखने कि सर बोलना तो बड़ा आसान है लेकिन जब जिसके साथ होता है उसे ही पता चलता है। देखिए जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ना, आपका एक केस चल रहा होगा, मैं ऐसे 100 केसेस को रोज डील करता हूं, तो यानी कुल मिला के आप सोचिए मैंने लोगों की कितनी ज्यादा दुख परेशानियां देखी होंगी। दोस्तों हम सभी को अपनी परेशानी बड़ी लगती है जब तक हमें यह नहीं पता होता कि दूसरे के साथ क्या परेशानी है। जब हम दूसरे की देखते हैं ना तो हमें लगता है यार ये तो हमसे बहुत ज्यादा दुखी है, तीसरे की देखते हैं वो उससे भी ज्यादा दुखी है। तो मैं तो दोस्तों रोज ही ऐसे कई सारे लोगों की परेशानियां देख रहा हूं, तो मैं सभी कुछ एनालाइज करके आपको बता रहा हूं कि इनमें से जो भी लोग ऐसे हैं जो उस क्रिएटर को ही सब कुछ मानते हैं वो खुश है, और जो अपनी चलाते हैं जिन्हें लगता है कि मैं कुछ पेच लड़ा के, मैं उल्टा सीधा कोई टेक्निक भिड़ा करके, मैं किसी तरह से ज्यादा पैसे एक्सटॉर्ट करके मैं खुश रह लूंगा, वो खुश नहीं रह सकता। तो दोस्तों इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको डिप्रेशन विप्रेशन में नहीं जाना, और जो भी आपके मुकदमे हैं उसको बहुत ही ध्यान से लड़ना है, सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ रणनीति अपनाते हुए, और अपने माइंड का कंट्रोल ना खोते हुए उन मुकदमों को लड़ना है, निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।